नमस्कार, ओम सर। साई की कहानी साई भक्तों के साथ। इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। ओ साईनाथ महाराज की जय। आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि बहुत प्रयासों के बाद, बहुत आंदोलन के बाद आज साईं बाबा का मंदिर खुलने जा रहा है। देर से ना सही, लेकिन इस सरकार ने फैसला लिया कि मंदिर अब खोलने चाहिए। जो लाखों करोड़ों साईं भक्त यही आशा लेकर बैठे थे कि हमारे बाबा का मंदिर कब खुलेगा और कब हम हमारे बाबा के दर्शन पाएंगे, उनको देख पाएंगे, आज उनकी वो इच्छा पूरी हो गई है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत ही दिक्कतों के बाद, बहुत ही आंदोलनों के बाद ये निर्णय किया कि परसों से, यानी सोमवार से, जहाँ पर महाराष्ट्र में पाड़वे का दिन मनाया जाता है, उस दिन से मंदिर यहाँ पर भक्तों के लिए खुले किए जाएंगे। मैं इस सरकार के फैसले का अभिनंदन करता हूँ और सभी साई भक्तों को यहाँ पर निवेदन करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप जब शिरडी आओगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल हमें फॉलो करने हैं। कोरोना का प्रादुर्भाव न हो, इसके लिए जो भी उपाय योजना साई बाबा संस्थान बताएगी, मंदिर यहाँ पर प्रशासन बताएगा, वो सारे फैसलों को हमें यहाँ पर अच्छे तरीके से उन नियमों का पालन करना है, ताकि हमारे शिरडी से, मेरे बाबा की नगरी से किसी भी प्रकार का प्रादुर्भाव इस कोरोना महामारी का न हो। इसी प्रकार की हमें सब लोगों को खुद की यहाँ पर प्रिकॉशन लेनी है। इसलिए आज का ये जो डिसीजन हुआ है लक्ष्मी पूजन के दिन, इस डिसीजन का हम सब लोग यहाँ पर बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन करते हैं इस सरकार का, और सभी भक्तों को मैं इनवाइट करता हूँ शिरडी आने के लिए।